नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है और खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना भारत। भारत को मिले 192 में से 184 वोट। 2 साल के लिए यूएनएससी का सदस्य रहेगा भारत। भारत को यूएनएससी का सदस्य बनने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। भारत 2011-12 में भी था अस्थायी सदस्य। भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल थल और वायु सेना अलर्ट। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए अलर्ट रहने के आदेश। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना ने बढ़ाई चौकसी। गलवन घाटी में चीन के दांत खट्टे करने वाले शहीदों को सलाम। गम और गुस्से के बीच दी शहीदों को अंतिम विदाई। अपने लाल की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा ने सभी वर्चुअल रैलियों को किया स्थगित। अगले 2 दिन तक नहीं होगी कोई भी वर्चुअल रैली। भारत चीन विवाद में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी जानकारी। भारत चीन सीमा पर झड़प का मामला। शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में राहुल गांधी नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। 19 जून को है सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। केंद्र सरकार से की चीन के सभी सामानों के बहिष्कार की मांग। कहा, रेस्तरा में चीनी खाने की बिक्री पर लगे रोक। लोग खुद भी चीनी सामान का बहिष्कार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए की 41 कोयला ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत। पीएम ने कहा, 130 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना ही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महला के पास आईईडी धमाका। नक्सलियों और बीएसएफ जवानों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान धमाका हुआ। इस धमाके में कोई भी हताहत नहीं। तलाशी अभियान जारी। सोना सस्ता, चांदी में तेजी। 24 कैरेट शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 50 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट शुद्ध सोना प्रति 10 ग्राम 48,810 रुपए। चांदी में प्रति किलो 300 रुपए की तेजी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 84 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या तो करीब 4.5 लाख मरीजों ने तोड़ा दम। 44 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। भारत में भी कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 3,66,000 के पार तो 12,000 से अधिक लोगों ने गवाई जान। 2 लाख के करीब मरीज हुए स्वस्थ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओडिशा में 23 जून से शुरू हो रही है पुरी की सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगाई रोक। एससी ने कहा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीसी के जरिए मेरठ के हालातों पर की चर्चा। वीसी में मौजूद रहे कमिश्नर अनिता मेश्राम और डीएम अनिल ढिंगरा। कोरोना से हो रही मौतों पर की समीक्षा। राजस्थान में नहीं लग पा रही है कोरोना पर लगाम। मरीजों की संख्या 13,600 के पार तो 320 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का रण। 3 सीटों के लिए 19 जून को है वोटिंग। 3 सीटों पर है 4 उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे हैं 2-2 उम्मीदवार। दोनों सीट पर बीजेपी और कांग्रेस कर रही है जीत का दावा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को। राजस्थान विधानसभा में होगा मतदान। 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। विधानसभा में मतदान और मतगणना स्थल पर मीडिया पर रहेगी रोक। राज्यसभा चुनाव 2020 का रण। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के शिविर का आखिरी दिन। वोटिंग से पहले विधायकों से करवाई मॉक पोलिंग। होटल से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे विधायक। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण। होटल जेडब्ल्यू मेरिट बना कांग्रेस की रणनीति का केंद्र। निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। सभी निर्दलीय विधायकों की हुई पायलट के साथ बैठक। भाजपा आरएलपी विधायक दल के कैंप का 3रा दिन। कैंप में कई सत्रों का हुआ आयोजन। केंद्रीय पर्यवेक्षक मुरलीधर राव ने किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दी जानकारी। राजस्थान में 47.8 डिग्री तापमान। दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले पहुंचेगा मानसून। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना। सीकर के फतेहपुर में तेज गर्मी के चलते सड़कों पर पिघली डामर। कृषि अनुसंधान केंद्र की मौसम रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री रहा। सीएम अशोक गहलोत ने दिए पीएम मोदी को सुझाव। आर्थिक संकट से उबरने में मददगार होंगे सुझाव। जरूरतमंद परिवारों को किया जाएगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। गुरुवार को ही गणित विषय की परीक्षा। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान।
सीएम अशोक गहलोत ने दी बोर्ड परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, कहा सभी सफल हो, परीक्षा देते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना न भूलें। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर सीएम गहलोत का ट्वीट, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, कहा रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि, बहादुरी और देशभक्ति की प्रतीक थी रानी लक्ष्मीबाई। प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान, 21 जून से 30 जून तक चलेगा अभियान। अभियान को लेकर DIPR कमिश्नर महेंद्र सोनी ने की VC, सभी जिला PRO को दिए आवश्यक निर्देश। सचिवालय के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मिलेगा वेतन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, 3 महीने से अटका हुआ था वेतन। कंप्यूटर ऑपरेटर कई बार कर चुके थे विरोध, श्रम सचिव नीरज के पवन से मिलने के बाद हुआ समाधान। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लगी भीषण आग, तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 315 में लगी आग, तीसरी मंजिल पर है रिकॉर्ड रूम, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मलबे में दबकर मजदूर की दर्दनाक मौत, परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधक पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के अवंतीबाई नगर में पति पत्नी के संदिग्ध अवस्था में घर में मिले शव, पुलिस जुटी मामले की जांच में, दोनों के शवों को कराया गया पोस्टमार्टम। यूपी के हरिद्वार में स्थानीय लोगों ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, चीन के खिलाफ की नारेबाजी, चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान। स्टेट क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 तस्कर चढ़े क्राइम ब्रांच के हत्थे, आरोपियों से 1 क्विंटल 72 किलो गांजा बरामद। भिलवाड़ा में प्रतापनगर पुलिस की कार्रवाई, 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 4,25,000 रुपये बरामद। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 2 क्विंटल डोडा चुरा बरामद। भरतपुर के डीग में विद्युत सतर्कता दल की कार्रवाई, बिजली चोरी करने वाले लोगों की भरी 2 लाख की VCR, बिजली की चोरी करने वाले लोगों में मचा हड़कंप। सिरोही में फिल्मी अंदाज में लुटेरे कार लेकर फरार, बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम, बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करवाई नाकाबंदी। डूंगरपुर के झालरी गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, तो बारिश से बचने के लिए तिरपाल बांधते समय हुआ हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में टैंकर के ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, टक्कर के बाद डामर हाईवे पर फैला, सड़क पर से गुजर रहे 2 बाइक सवार फिसले, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रीकरणपुर में डिग्गी में डूबने से बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने शव को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर, पुलिस जुटी मामले की जांच में। राजसमंद के देवगढ़ स्थित कुएं में गिरा पैंथर, पानी की तलाश में ताल गांव में आया था पैंथर, विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पैंथर को निकाला बाहर। जालौर के खारा गांव में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला, सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। अजमेर में नगर निगम ने गुलाब बाड़ी फाटक के आगे किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की, टीम ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया, मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। भिलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ झाला, सरकारी कर्मचारियों ने उठाए योजना का लाभ, राज्य सरकार ने 152 कर्मचारियों को जारी किए नोटिस, अब तक 20 कर्मचारियों से वसूला जुर्माना। कोटा में बिजली के बिल माफ करने की मांग, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया जल सत्याग्रह, बिल माफ नहीं करने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। बिजली के 3 माह के बिल एक साथ आने और उनको माफ करने की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने पार्षद के साथ मिलकर लेकर वैशाली नगर में टाटा पावर हाउस पर मौन व्रत रखा और विरोध किया, बिल माफी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जयपुर में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का मामला, संविदा पर काम करे लैब टेक्नीशियन ने किया विरोध, मेडिकल कॉलेज के बाहर बूट पॉलिश कर जताया विरोध। जयपुर के बगरू में कोरोना का प्रकोप जारी, नेवटा गांव में मिली कोरोना पॉजिटिव युवती, पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खंगाली ट्रेवल हिस्ट्री। यूपी के रामपुर में कोरोना के चलते सब्जी की तरह ठेले पर बेचे जा रहे हैं मास्क, सस्ते होने की वजह से लोग इन्हें खरीद रहे हैं, बीमारियों को न्योता दे रहे हैं ये सस्ते मास्क। बूंदी की JCI संस्था ने स्कूल के विद्यार्थियों को बांटे मास्क और हैंड ग्लव्स, 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो चुकी है शुरू, कोरोना को लेकर किया जा रहा है जागरूक। अरमाड़ा में गीतांजलि आश्रम की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, घर परिवार से दूर रहकर जनता की सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों का हुआ सम्मान, लोगों से गाइडलाइन पालना की अपील।
चुमू में पानी बचाओ अभियान की उड़ी धज्जियां, सड़क पर व्यर्थ बह रहा है लाखों लीटर पानी, कई कॉलोनियों में नहीं हो पा रहा है पेयजल आपूर्ति, ठेकेदार बरत रहा है लापरवाही, मौन है जिम्मेदार अधिकारी। गलवान में भारतीय जवानों के शहीद होने का मामला, अजमेर के बांदरवाड़ा कस्बे में सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि, चीन के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। नसीराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में जाट नेता नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में जलाया चीन के राष्ट्रपति का पुतला, चीन के खिलाफ की नारेबाजी, चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान। शाहबाद में युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला, चीन की हरकत को बताया शर्मनाक, चीनी माल का बहिष्कार करने की मांग। धौलपुर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामान का किया बहिष्कार, चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी कर फूंका पुतला। नागौर के मुंडवा में भी चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भाजपा मंडल ने चीन के खिलाफ की नारेबाजी, चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। अजमेर के नसीराबाद विधानसभा इलाके में टिड्डियों का आतंक, कपास की फसल को पहुंचाया नुकसान, किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। टोंक में टिड्डी दल के आने से मचा हड़कंप, फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसानों ने ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया। राजसमंद जिले की कुमारिया तहसील के लापसिया ग्राम पंचायत के रामपुरिया तालाब में काम करे 18 मनरेगा श्रमिकों को अधिकारियों ने अनुपस्थित बताया, इससे रोष जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारा के नयापुरा वार्ड में गंदगी से परेशान लोग, नगर परिषद के सभापति की लापरवाही आई सामने, स्थानीय लोगों में आक्रोश। पाली के देसूरी में गरिमा अभियान के तहत मास्क किए वितरित, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मनरेगा श्रमिकों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। जयपुर के पावटा में श्रीकृष्ण गौशाला में गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायों को खिलाया गुड़ और चारा। झालावाड़ के खानपुर में तेज अंधड़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, विद्युत सप्लाई हुई ठप, कई मकानों के उड़े टीन शेड। जैसलमेर के पोखरण में चिकित्साकर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर और फार्मासिस्ट को एपीओ करने का विरोध, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अजमेर के बांदरवाड़ा में गर्मी के तीखे तेवर, लू के थपेड़ों ने हाल किया बेहाल, गर्मी से बचने के लिए लोग कर रहे हैं जतन। जयपुर के जमवारामगढ़ में वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, महाराणा प्रताप नवयुवक मंडल की ओर से आयोजन, शहादत को किया सलाम। धौलपुर के सरमथुरा के बरौली गांव में युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस जुटी मामले की जांच में। डूंगरपुर एसपी जय यादव ने ली क्राइम मीटिंग, थानेवार दर्ज मामलों की समीक्षा लेकर एसपी ने पेंडिंग मामलों को जल्द निस्तारित करने के दिए निर्देश, साथ ही वांछित अपराधियों को पकड़ने और कोविड-19 को लेकर दिए निर्देश। कृषि विभाग प्रतापगढ़ के उपनिदेशक मनोहर तुसावरा और सहायक निदेशक फाजीलाल ने किया दौरा, बीज उर्वरक और कीटनाशी रसायन विक्रय परिसर का किया औचक निरीक्षण, किसानों को उच्च स्तर के बीज उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। जयपुर के सांभर में मिला प्रवासी पक्षी, घायल अवस्था में मिला प्रवासी पक्षी, WSO के संस्थापक ने इलाज के बाद काचरोद नर्सरी में छोड़ा प्रवासी पक्षी। जयपुर के फागी में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, मानसून में हो रही देरी को लेकर किसान चिंतित, इस बार अच्छा मानसून रहने की उम्मीद। जिले एवं देश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।